महिला दर्शकों के लिए आरक्षित है। ये प्रत्येक वर्ष वर्षा क्लब कोचाई के इस महास्पर्धा इस आयोजन में ये जो गिलहरी होती है, मात्र एक गिलहरी को आप लोग छोड़ दें और बाकी साउथ जोन और ठीक हमारे मंच के बाहर तो ठीक गिलहरी है, आप लोग वहां बैठ जाएंगे। पुरुष वर्ग खाली कर दीजिए उसको। हाँ सभी मेंबर्स वर्षा क्लब कोचाई, हाँ भोजन तैयार हो गया है। पांचा और कुंवर दादा आप लोग ध्यान देंगे, भोजन बढ़िया से बंटवाइए, सबों को पूरा होना चाहिए। सबसे पहले जो काम किए थे उनको दीजिएगा, जिनके गले में ये बैज रहेंगे उनको प्रतिमिता दिया जाए। धन्यवाद। बिल्कुल सुजीत, एक बार मैदान की तरफ चले तो यहाँ पर युवाओं से भरी पूरी टीम प्रातिक 11, इन्होंने हमें इम्प्रेस किया था NYS उदालखम वाले टूर्नामेंट में। सेमी तक का सफर तो तय किए, उसके बाद सेमी में लॉस झेले थे, लेकिन जिस इंटेंशन जिस स्किल के लिए जाने जाते हैं मिस्टर विशाल महतो, हालांकि इस वक्त उनका जो फ्लाइंग 9 में जगह बनता है बिल्कुल सेंटर प्रमुख अटैकर्स के तौर पर जर्सी नंबर 17 पर मौजूद है। और बैकलाइन की बात करें, आसमान बंकीराज नजर नहीं आ रहे हैं, थोड़ी सी चूक है और वो होते तो शायद उनका जो मिडफील्डिंग जो मिडफील्डर का जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नजर आता है। तो फिलहाल देखें क्लियर सूची जरूर है प्रांतिक 11। डॉक्टर संजय मनीष, धर्म कृष्णा और जमदार गोविंद राहुल और इस तरह 14 खिलाड़ियों की सूची इन्होंने सबमिट करी है। बिल्कुल, और मेरे हाथ में पीछे सूची है संजीत कगरे की बात करें, फिलहाल गोलरक्षक का किरदार को निभा रहे राजेंद्र राजू को 3 बजे जसवंत 2 में नजर आएंगे, सुनील डांगे जसवंत 9, जॉन पांडा जसवंत 6, हिमांशु कुमार जसवंत 10, मिचल दोनों सोंडी जसवंत 13, नाइकी बुरुली ग्रुप पर नजर आएंगे हमेशा की तरह जसवंत 10 में नजर आते हैं, फिलहाल आज जसवंत 7 में नजर आ रहे हैं। बजे पोती के बाद जसवंत 8, यादव सवार को देख पाएंगे जसवंत 5 में। एक दौर था 2019 का, वो सत्र था, इस मैदान में क्या सुर्खियां बटोरे थे मिस्टर यादव जेडी क्लब के लिए खेलते हुए। फिलहाल यादव की रन बॉल में सफल, फिलहाल सुनील नागिल के संदर्भ में ताल में लाची खेल ले चुका है। अब सही मायने में अगर देखें सुनील नागिल हमेशा काउंटर तक करते हैं, सरिता की भी आज नहीं दिखा पा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे वक्त बदला, समय बदला, खिलाड़ी बदले, टीम बदला, वो दौर था वो जब महेंद्र सिंह के लिए खेला करते थे मिस्टर यादव, लेकिन आज उनकी गोल मशीन वाले स्ट्राइक को देखते हुए हर किसी फाइनेंसर के लिए मैच खेलते हुए नजर आते हैं। फिलहाल तो दोनों ही टीमों की स्कोर लाइन को देखें तो यहाँ पे 0-0 के स्तंभ स्कोर पर राजू की फ्लैग यहाँ पर हिमांशु पान के लिए संजय नायक का यहाँ पे आगमन हुआ है, टीमों में अक्सर बाली वापसी के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। गजब और कमाल, ये विशाल का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा देन रहा है विशाल महतो। छोटे कटकाठी के खिलाफ जसवंत इनके लिए 18 के लिए मौका बन सकता है, इस बार रन आएगी पत्ती के एफसी के लिए, लेकिन बॉल जितने में सफल नहीं हो खिलाड़ी। आखिरकार पेश की जाएगी टीमों की बात करें, टीमें हैं विजय एफसी। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ कुछ कुछ खिलाड़ी इस सूखी पिच पर अपना संतुलन खो रहे हैं। ऐसा फुटबॉल के क्षेत्र में आप देखते हैं सुजीत, जब बरसात होती है मैदान गीला होता है तब फिसलन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ तो काफी सपाट पिच है, काफी बेहतरीन मैदान है और इस मैदान में भी खिलाड़ी अपना संतुलन खो रहे हैं, फिसल रहे हैं, पता नहीं वजह क्या है। इसके बाद वाले मुकाबला ओमा मंगला एफसी वर्सेस रॉयल एफसी